सब घर सब चीजें तो याद आएगी। चिट्ठी इसमें याद आने वाली कौन सी बात है? और लड़कियों को तो एक दिन कार छोड़ के जाना ही होता है। मेरे कभी था ही नहीं। गाल सुन, किसी भी चीज की कमी रह गई हो ना, दस दिन बाद इसको चाह दूंगा। नहीं, आपने तो पता था तकलीफ कर लिया। और ले वो एक कोई बहन हमारी, उसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे भला? कोई बहन है हमारी, बहुत लाडली है, ख्याल रखी उनका। अरे बहन, जमीला तो चांद का टुकड़ा लाई है बहू। वाकई हम तो समझे थे जोसेफ को कोई नहीं पूछेगा, बड़ी खूबसूरत दुल्हन ले आया। बहन सरकारी नौकरी है, जवान है, खूबसूरत है। सरकारी नौकरी भी ठीक है, जवान भी है, मगर इतना झूठ नहीं बोलो, खूबसूरत है काला। सही कह रही हो बहन, सच्ची बात है, बड़ी ऊँची जगह हाथ मारा है जमीला ने। ऊँची जगह? अरे यूँ कहो, उसने ब्यूटिशियन किया हुआ है और नाक नक्शी की अच्छी है, और क्या है। बस बस रहने दो, इतनी डेंगे न मारो, हमें क्या पता नहीं है इनके हालात। वो तो जोसेफ की नौकरी लग गई तो इनके भाग लग गए, वरना घर में बैठने को कुर्सी तक ना थी। अरे पता नहीं ऐसे लोग उन्हें कहाँ से मिल गए। हमारे खानदान में अगली पिछली पुश्तों में ऐसा सामान किसी बहू बेटी का आया और ना ही गया, और ना ही शादी का ऐसा खाना खिलाया गया। आंखें फटी की फटी रह गई हमारी तो ये देख के। बहन है तो बारात के बंदे देखकर चकरा गई थी, कितने आदमियों का खाने का इंतजाम कैसे किया होगा। अरे वाकई बड़ी खूबसूरत दुल्हन है, और लोग भी सही हैं, वो तो लड़की की वजह से, ब्यूटिशियन जो है।
किन्ना सेट है मिस्टर फ्रॉडी, किन्नू 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 दुख लाइए फ्रॉडी है मिस्टर फ्रॉडी, वाह जी वाह तू किन्ना सेट है मिस्टर फ्रॉडी, तेनु किन्नू किन्नू दुख लाइए फ्रॉडी है वह जाज। उम्मीदा इजी हो जा मेजाज, तू क्या खट्टे मीठे रंग के कपड़े पहन के पार गया था है? और मैं ना अपने दोस्तों को बताने के लिए गया था दुबई में मेरा कैसा बिजनेस सेट है। क्या कहा तूने इजाज? तूने जाके क्यों बताया कि हमारा दुबई में बिजनेस है ताकि उनको पता चले हमारे काम का नजर लग जाए है? और बस कर दे, और तेरी वैसे रोटी थोड़ी मैं पूरी नहीं कर सका, और तुझे आके मैंने औरतों के सामने बताया तूने सीधी बिस्ती शुरू कर दी मेरी। हाँ तो तूने नंबर दे के क्या करना था? मैट्रिक पास करना था है? बहन है वो मेरी। बहन तो क्या तू वजीरे आजम लगा हुआ? तू बात को समझती क्यों नहीं है? वो सारा क्रेडिट वो अरशाद ले गई है और रोटी उसने पूरी कर दी है। हाँ तो क्या हम क्या करे? तू क्या वजीरे आजम लगा हुआ है और अरशाद का क्रेडिट ले गई है तो हमें क्या करना है? वैसे भी उसका क्रेडिट लेने का फायदा क्या है? सादा चावल खिला दिए, मीठा वो चावल वो बना के वो खिला दिया लोगों को, बहुत तो थी नहीं। और जब मेरी बारी आई खाने की तो उसमें बोटियां तक नहीं थी। बाजी वाह, कोल्ड ड्रिंक पे रो रही है तू, और वो जो तूने रोटी थोड़ गई वो तो मुझे देने नहीं दी, और देने देती मेरे भी माँ पियो बहन है वो मेरी, और मेरा भी हक बनता है। तो एक काम कर जा, अपने माँ पियो को गोद में बिठा के गराए वाटर पिला है, और मैं तेनु आखिरी बार दास नहीं, आज के बाद तूने अपने पैसे का जिक्र किसी के सामने नहीं करना, क्योंकि ये पैसे सिर्फ मेरे हैं, हमने दुबई में जाके बड़ी मेहनत से कमाए, मैंने ना एक एक से कर्ज लेके तुझे दुबई भेजा और फिर तूने मुझे वहां बैठ के बुलवाया, तो इस पैसे पे सिर्फ मेरा हक है, इस कार वालों के ना बिल्कुल हक नहीं है, समझ आइए? चुप करके बैठा रहा वरना मैंने अभी तेरी गर्दन काट देनी है। और मेरे माँ पियू है उनको बताने में क्या हर्ज है? हट, चल मुझे भी खिला। हट हाथ डा, इतने महंगे आए मैं अपने खाली के लिए लमंगा आया, तू खाएगा? वो एक तो दे दे मुझे। नहीं एक भी नहीं मिस्टर फ्रॉडी। डैड बूटे इजी होके चॉकलेट खा ले, दुबई की है ना पुत्र, रहने दे मुझे नहीं ये गोरों की मिठाइयाँ चंगी लगती हैं, मुझे अगर खिलानी है ना तो सीधी सीधी बर्फी खिला या फिर कोई मुझे पेठा खिला, मगर वाह जी वाह क्या जबरदस्त मिठाई लेके आई थी अरशाद, पेठा लेके आई थी चिट्टी के ब्याह पे। रहना पपूटा पेंडू के पेंडू है, कोई अच्छी चीज तो हजम नहीं हो सकती तुझसे, ये तो विदेशी चीज है क्यों इजाज? यस। वाह जी वाह, तेरी तो सारी नस्ल पेरिस में पैदा हुई है ना, तू पेरिस में पैदा हुई थी? बूट्स, अगर पेरिस में पैदा नहीं हुआ था तो क्या हुआ, पेरिस से मैं जा सकती हूँ ना, क्यों इजाज? आमिदा इजी हो जा तू, मैं तुझे पेरिस भी लेके जाऊंगा, मैं तुझे अमेरिका भी लेके जाऊंगा, मैं तुझे वर्ल्ड टूर कराऊंगा, सारी दुनिया की चॉकलेटें खिलाऊंगा, कगानरान भी जाएंगे हम। हाँ अंकु। वैसे मुझे एक बात का जवाब दो, तुम करते क्या? मतलब अब बूटे काम करते हैं और क्या करना है, इजी हो जा। हाँ नहीं नहीं मेरा मतलब है कि भाई तुम काम क्या करते हो, इतनी लहरे बहरे, इतने नोट, इतने कपड़े ऐसे, और ये देख ले इसके तो नखरे ही मान नहीं है। अब्बा बूटे मेरा मतलब है और दुबई में काम करता हूँ, इजी हो जा। बोर्ड्स तुम लग तो बस हटते रहना है, हमारी ना मेहनत की कमाई है, और दुबई के पैसे में इतनी बरकत होती है मैं क्या दसूं, वो तो खुदा बंद कर रहा है, क्यों इजाज? यस ना, तो यही वाली नौकरी तो वो खूब भी करता था, उसको भी खुदा पैसे देता था, उसके पैसों में इतनी बरकत क्यों नहीं थी, उसके तौर पर तो नहीं पहुंचे थे ऐसे। अब बूटे क्लेवर माइंडेड आदमी नहीं था वो, मैं एजुकेटेड आदमी हूँ, क्लेवर माइंडेड आदमी हूँ, वो दुबई जाके मैंने डॉलर कमाए हैं, पाउंड कमाए हैं, दरम कमाए हैं, इजी हो जा।
यस यस रिजाज बोर्ड से शी इज द राइट। वैसे तुम लोग ना सारे घर वाले सड़ते रहो, जाज बड़ा सड़ ये जालस हो रहे हैं हम लोगों से, देख तो सही इनसे हमारी खुशहाली बर्दाश्त ही नहीं हो रही। यस उठ छेती कर, वरना हम यहाँ थोड़ी देर और रुके ना कहाँ पे नजर लग जानी है। है जाज उठ गेट ओई ओई जी हो जा चल कर थी भी। ओ खदाया खैर करें, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये सारा मुद्दा कहीं मेरे पे ना डाल दे। इन्ने टोर इनके इन्ने मिठाई लेके आ रहे हैं, पता नहीं गोरों वाली मिठाइयां। मेरे हाल पे रहम करी रब्बा, और नीली छाता लिया। मम्मी खाने में आज कुछ ज्यादा मिर्चें नहीं हो गई? मुझे तो नहीं लग रही, तुम्हें लग रही है चिट्ठी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही मैं सोच रही हूँ कि एक दो रोज में तुम्हारी बीवी के हवाले किचन कर दूं, मैं थक गई हूँ काम कर करके, और वैसे भी तुम्हें तो इसके हाथ के खाने बहुत पसंद आएंगे। जी मम्मी आप कर देना किचन इसके हवाले, मगर हमारे हनीमून से आने के बाद। क्या? जी मम्मी हम लोग कल हनीमून के लिए मरी जा रहे हैं। वाह बल्ले भाई बल्ले, वाह मेरे शहजादे, माँ को तो तुम कभी लाला मूसा लेके नहीं गए और बीवी को मरी। मम्मी हम लोगों ने ट्रेन की बुकिंग करवा ली है। मैंने कह दिया ना कोई मरी वरी नहीं जा रहा है, और इतना ही शौक है ना सैर सपाटे का, तो गुलशन अकबाल में जो झूले लगे ना माँ झूला झुला के ले आना, वरना सुबह उठते ही छोले और पटोरे खिला के ले आना। मम्मी हम लोग कल जा रहे हैं और इतवार तक वापस आ जाएंगे। चलो चिट्टी पैकिंग करें। मम्मी ये आती है अभी। तीनों डाल लें चिट्टी तेल कार तो जान तो किन्ना कार उदास हो गए, तियां दी कितनी रौनक होंदी है कार के बीच में। हाँ ठीक कह रही, मगर फिर भी जो मर्जी हो जाए तियों ने अपने घर को जाना ही होता ना, तुम्हारी कुड़ी भी चली गई है। बस तू ना वो नीली छत से दुआ करके उसके नसीब चंगे हो। मैं खुदावन से यही दुआ करती हूँ कि बस उसकी सास जो है ना मेरी ती को अपनी ती समझे, उस पे जुलम ना करे। नहीं करेगी, उसकी सास उसके साथ दुश्मनी नहीं करेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी ती बड़ी चंगी है। तिया ही सब कुछ होती हैं, इतना मेरा खाने का ख्याल रखती थी, मैंने सेब खाने हैं, मेरा मेकअप हर चीज का ध्यान, नुआ थोड़ी ध्यान कर दी इन्होंने चीजों। कोई बात नहीं, मैं ना उसकी सास को कहूंगा, बल्कि मैं अपनी चिट्ठी को कहूंगा कि अपनी सास को सास ना समझे, अपनी माँ समझे, तो वो फिर ना तेरी जो नूह है ना तुझे भी अपनी माँ ही समझेगी, बड़ा प्यार करेगी तेरे साथ। नूहा नूहा ही होंदिया ने, बस इरशाद नू छड़ के सब नूहा नू मैं नहीं मानती। इरशाद ही भगवान है, माँ प्यो ने बड़ी चंगी धी जमी। खुदावन तू मेरी चिट्ठी का ख्याल रखी, उनका नसीब चंगा। मगर मुझे पता है खुशी किस बात की है कि जोसेफ जो है ना वो ही चंगा मुंडा, उसको बड़ा खुशी लगेगा, हमारी हमारी कुड़ी से प्यार बड़ा करता है। उदे नसीबां दा मैनू फिक्र नहीं है, नसीब उदे चंगे ही होणगे क्योंकि मैंने बड़ी दुआएं की है उसके नसीबों की। मगर उसके जाने के बाद बड़ा घर उदास हो गया, मैं कहती कदों आएगी, आज पता नहीं मिलना आएगी कि नहीं आएगी। नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? अब तो पता है, अब तू ऐसी गले ना कर, फिर मैं भी उदास हो जाता हूँ, मुझे परेशानी हो जाती है। देखो उसकी वजह से मैंने कितने दिन से काम भी नहीं किया, मैं
कितना परेशान हूँ उसके लिए। अब बहुत गलतियां हो गई, बड़े गुनाह कर दिए। तोबा तोबा, आज कल की लड़कियों को तो जरा भी शर्म नहीं आती, अपने हनीमून की पैकिंग खुद ही कर रही हो। सलामी के सारे पैसे भी उन्होंने अपने पास रख लिए और उसमें से सिर्फ 3,000 रूपए मुझे दिए। अब आप मुझे बताएं, 3,000 रूपए में से मैं होटल का किराया दूं, खाऊं पीऊं घूमूं फिरूं क्या करूं? कब कहा था सब्जी लाने को? मैंने जा रहा, जोसेफ को भेज दो। जोसेफ? अब जोसेफ को मत ढूंढना। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं है उसकी शादी हो गई है? ए जमीला, तुम भी ना सीधी तरह बात नहीं कर सकती हो। अरे सीधी तरह क्या बात करूं? जो बेटा मेरे सामने जी नहीं बोलता था वो कह रहा है बीवी को मरी लेके जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मरी ले जा रहा है उसे। देख लिया तुमने आजकल के नए शौक, मरी लेके जा रहा हूँ। हमने तो कभी ये शौक नहीं किया लेकिन आज तक निभा रहे। जमीला, अब जमाना बदल गया है, बच्चे जाते हैं शादी के बाद घूमने फिरने, इसमें कौन सी बुरी बात है? क्यों जाने दूं? वो चिंडानल काबू में नहीं कर लेगी? 1,000 दफा का यहीं घुमा ले, लेकिन नहीं, मैं तो मरी जाऊंगा। क्या जरूरत है मना करने की, जाने दो, बेटा है मेरा। तो बेटा इसका ये मतलब थोड़ी है, अब खुद मुख्तार हो गया, शादी हो गई उसकी। शादी हो गई तो क्या हाथ से गया? अरे जमीला, तुम बिना कौन समझाए तुम्हें? जो लड़का मेरे सामने जबान नहीं खोलता था आज वो बीवी के खातिर मेरे मुंह को आ रहा है। तुम यहाँ बैठी सोचती रहो, मैं सब्जी लेकर आ रहा हूँ। तुम ही ने उसको बिगाड़ा है। अरे जाओ, दो जुमले बोल देते ना उसको तो आज वो ऐसा ना होता। हाँ हाय चिट्टी, कितनी खूबसूरत चूड़ियां लग रही है ना तुम्हें, बड़ी प्यारी लग रही है। मान से इतनी मुझे याद आ रही थी, मैं कह रही थी मैं क्या करूँ, रोने लगी थी मैं बस। तो मम्मी पीनो मुझे कॉल कर लेती। मैं कॉल कैसे करती, मैं तुझे ब्याह चुकी हूँ, अच्छा तो नहीं लगता ना बार बार मैं जोसेफ को तंग करूं, है ना जोसेफ? हाँ, वैसे बहुत अच्छी लग रही है, वैसे तुम्हारी सास से अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना? हाँ मम्मी पी ना, बहुत अच्छी वाली हो गई है। जोसेफ मेरी ती का ना ख्याल रखा कर, मेरी इको एक ती है। अच्छा तू चंगी तरह रोटी खाया कर, कमजोर हो जाएंगी। हाँ जैसे खा पी रही हूँ। ए मिठाई क्यों लेके आई है? मम्मी भी ना तेरी पसंद की मिठाई लेकर आई हूँ, और अब्बा बूटी की ना अलग से शुगर फ्री भी लेकर आई है। बड़ी मेहरबानी है जोसेफ, तू इतने काम कर रहा है ना, तेरी बड़ी मेहरबानी। तू ना आंदे जाते मेरे तीनों लेके आकर, मन बड़ी याद आती है। अच्छा खा पी तो लवो ना, चिप्स लवो, बिस्कुट लवो। जी जी। अच्छा मम्मी पिनो, यहाँ पे आने की एक वजह ये भी थी कि हम दोनों कल कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज से मिलवा लूँ आपसे। बहुत मेहरबानी है तेरी, चंगी तरह घुमा के ले आई, हर चीज बुखा के ले आई, ठीक है ना? मेरी चिट्टी ने बढ़िया कुर्बानियां दी ने तेरे नाल ब्याह करन, बस बाल भी इंजी पाया कर, एडी सोहनी लगदी है। तेरा अब्बा बूटा भी रोन लग जांदा तेरा नाम जदों आंदा। तेरा अब्बा बूटा भी बड़ा याद है। की करिए, हुन जाना ते है सी ना। ठीक है जोसेफ फिर। जी बिल्कुल। चाह पी ना, तू चाह पी। इरशाद जे तक आई नहीं, उन्हें पता लग गया ना कि तुसी लोग आए, खुश हो जाएगी तुहानू वेख के ना। हाँ यस माय सन। अब्बा मैं बहुत अरसे से मिलना चाह रहा था जी आपसे। क्या बात है अकरम? अब बहुत गलतियां हो गई, बड़े गुनाह कर दिए। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास हो गया है। एहसास तो हो गया अब्बा, कला रह गया हूं, बड़ी मुश्किल में हूं अब्बा, दिल को सुकून नहीं मिल रहा मेरे, घर में किसी से बात करता हूं तो हंसते हैं। माय सन, ये जो दिल है इसके अंदर खुदाबंद है, दिल से माफी मांगो, तुम्हें सुकून मिलेगा। मिल जाएगा सुकून। गॉड इज फुल ऑफ मर्सी, तुम सारे गुनाहों की माफी मांग लो।
He will bless you abundantly. तबीयत हल्की हो गई मेरी, बड़ा परेशान हो गया था, सुकून आ गया बाबा जी के पास। बाबा जी अंधा हो गया है क्या? देख के चल, कहाँ चले जा रहे? क्या हो गया भाई? और रास्ते में चल रहा हूँ, ब्रेक के तू खुद सामने आगे मार। हाँ रास्ते में चल रहा है, नशे की हालत में चल रहा है क्या? साइड में होके चलना। ओए रास्ता मारूंगा ना, मुंह फेर दूंगा मैं तेरा। भाई किस तरह मार देगा रास्ता यार? गाल छोड़। ओए एक मिनट खो जा यार, जा यार, खो जा। ओ जा भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ। तो साइड में। अच्छा मेरा वीर, जा। वाकई में नशा करके आया। और शुक्र कर सुधर गया हूँ, जा यार। जोसेफ तेरी शर्ट रख लिया। तेरा जो दिल चाहता रख ले। वैसे तो पहन के तो तुझे दिखाना मुझे, पर हाँ अपनी पसंद की रखना। फिर तो मेरे कपड़े भी तेरे पसंद के होने चाहिए। हाँ पर तू मुझे लाल रंग में बहुत पसंद है। हाँ तो जब ही तो लाल रंग की सूट रखे। अच्छा हाँ, वो तेरे पास जीन्स है? जीन्स नहीं जोसेफ, मैंने तो आज तक जीन्स नहीं पहनी। बल्कि वो तो हमारे घर में भी ऐसा नहीं पहनाते। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मरी जा रहे ना, वहाँ पे तू जीन्स पहन, बहुत अच्छी लगी। मैं तुझे ना जींस खरीद के दूंगा। तू मुझे शॉपिंग कराएगा ना? हाँ जाहिर सी बात है, सलामी के पैसे इसलिए तो रखे हुए मैंने। जोजा ये सब क्या हो रहा है? मम्मी को बताया था ना, हम लोग कल मरी के लिए निकल रहे हैं। मरी जा रहे? तोबा तोबा, आज कल की लड़कियों को तो जरा भी शर्म नहीं आती, अपने हनीमून की पैकिंग खुद ही कर रही हो। अरे छोड़ो, जिस बात के लिए आई थी वो बात ही भूल गई। अरे जोजा, तुम्हें सलामी के पैसे तो मिले होंगे? क्यों मम्मी? कितने हैं? मम्मी 10,000 रुपए। लाओ दिखाओ मुझे। इधर दिखाओ मुझे। ये 3,000 रुपए ना तुम रख लो अपने खर्चे पानी के लिए। सलामी तो हमें मिली थी ना। सलामी हमेशा माँ बाप रखते हैं, शादी में जो खर्चा होता है ना उसकी वसूली के लिए। चिट्टी ऐसा करो, मेरी अलमारी में से मेरे कपड़े निकाल के अपने बैग में रख लो। अब मैं कहाँ दूसरा बैग बनाती फिरूंगी? मम्मी आपका सामान क्यों? अरे मैं भी तुम लोग के साथ जा रही हूँ ना। मम्मी हम तो हनीमून के लिए जा रहे हैं। तो क्या हो गया, बीवी को घुमा सकते हो माँ को नहीं? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आता तुम इतनी जल्दी माँ से आंखें फेर लोगे, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है। और तुम क्या खड़े खड़े मुझे घूर रही हो? चलो मेरी अलमारी में से कपड़े ले लो, अपने बैग में रख लो, अब आ भी जाओ। हाँ जी मम्मी मैं आई। जोसेफ क्या कह रही मम्मी? पापा 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 पागल लोग। पापा पापा
देखे ना, मम्मी हमारे साथ हनीमून पर जाना चाहती हैं। हनीमून पे? क्यों? मुझे क्या पता पापा। और पता है आपको, सलामी के सारे पैसे भी उन्होंने अपने पास रख लिए और उसमें से सिर्फ 3,000 रुपए मुझे दिए। अब आप मुझे बताएं, 3,000 रुपए में से मैं होटल का किराया दूं, खाऊं पीऊं घूमूं फिरूं क्या करूंगा? देख बेटा, तेरी मम्मा से पैसे तो वापस नहीं ले सकता मैं। हाँ, ये मेरे पास 3,000 रुपए हैं, ये तू ले जा, तेरे काम आए। थैंक यू पापा, मगर ये भी कम है। अब आप मम्मी से कहकर 2,000 रुपए और दिलवा दो। इतना बहुत मुश्किल बात, तुझे पता तेरी अम्मा से पैसा निकलवाना कितना मुश्किल है। बहरहाल तू परेशान नहीं हो, मैं किसी न किसी से लेके तुझे दे दूंगा पैसे। तू जा चिट्ठी के साथ और अपनी पैकिंग कर। थैंक यू। और पापा को जाने का मामला? तू तो अपने बाप से छोड़ दे, परेशान नहीं हो, वो नहीं जाएंगी तेरे साथ, मैं संभाल लूंगा। अब जा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आए जमीला! जमीला कहाँ, जल्दी आओ जमीला! अरे क्या हो गया, कैसा, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो गया आपको, क्या हो गया, कहाँ दर्द है, क्या हुआ? अरे बड़ा सख्त दर्द हो रहा है। कहीं गुर्दों का दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ शायद वही है। डॉक्टर के चले आप? नहीं अभी सही हो जाऊंगा, तुम बस मेरे पास बैठी रहो। अरे मैं तो बैठ जाऊंगी, डॉक्टर के पास क्यों नहीं चल रहे आप? अरे उसको छोड़ो, तुम बस कहीं मत जाओ, यहीं बैठी रहो। आए आ आए 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 आ। वैसे मुझे एक गल की समझ नहीं आई इनकी, रातों रात प्रोग्राम अचानक बन गया तुम लोगों का जान का। अरे अब्बा बूटे इजी हो जा, वीजा लगा हुआ था हमारा, आज की हमें एरोप्लेन की टिकट मिल गई, हमने सोचा गो बैक टू दुबई। यस, वैसे भी इस गंदे मंदे कार में मैं नहीं रहती। बड़ी बड़ी मैं ना इसी घर में रहती रही है ना, इतनी बड़ी हो गई है यहाँ आके। अब तो नहीं रहती ना, अब तो मैं दुबई के महल में रहूंगी। पुत्र जाओगे कैसे, अक्रम को कहो वो तुम लोगों को छोड़ आए। मैं नहीं जाती अब रिश्के थे, मैंने तो गड्डी बुलाई है, क्यों इजाज़? यस ऐ तो बिल्कुल ही मेहमान की नखरे नहीं मुकते पे दे। ठीक है फिर अब्बा बूटा एंड मम्मी पिनो, वी आर गोइंग बैक। क्या पुत्र, खैरी जाते खैरी आ। हां सलाम, जय सलाम। चलो सलाम। पर हट जा, राम ना जा, तो राम ना ला। तुम जाओ मम्मी पिनो, नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग वेरी गुड गिफ्ट फॉर यू। ओके ओके थैंक यू। काम काम छेती का स्टैंड उससे बड़ा ता। हां हाय लड़ाई झगड़ा लड़ा वा चल। चलो सलाम। वैसे एक गल मैं तेनू दसा, बड़ी अजीब जी गल आ, मेनू कुछ समझ नहीं लगी। मैं तेन दसा हूं की कहन डी सी, मेरा दिल नहीं लग रहा, छोटा सा घर है, किन्ने नखरे करन डी सी, मेम दी धी ना होवे ते। अच्छा ना मुझे इन्हां की हरकते ना कुछ थोड़ी सी मशूक सी, मशूक नहीं मशकूक सी लग रही है। मुझे तो उम्मीदा पहले दिन से ना उम्मीदा बहुत बड़ी मशकूक लगती है। नहीं नहीं कल्ली उम्मीदा नहीं, मुझे तो आज का भी जो काम है ना वो बड़ा मशकूक सा लग रहा है। तू पावे मन या ना मन, उन्हों तो पूरी दाल ही काली लगन रही है। ये दोनों बड़े किसी चक्कर में है। आहो पता लगेगा हूँ बाद की करे, खुदा वन चंगा कर दे। बस जोसेफ को देख, हनीमून पे लेके गया चिट्टी को, पूरा हफ्ता मरी में रहे दोनों, नी बर्फों में चिट्टी को मजा आया होगा। और तू तो मुझे सिनेमा लेके भी नहीं गया, ना ही तूने मुझे समंदर दिखाया। दफा हो किधर, तू दफा हो जाए, तू चला जा। देख मैं चला गया ना, मैं वापस नहीं आऊंगा। बड़ा रो पांड्या चोर, भरा देना मिल रहा पर दासी ने, चल जा यहाँ से। अब जाने लगा मैं, मुझे रोकी ना। कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी जोसेफ से। फिर क्या उम्मीद थी तुम्हें जोसेफ से, क्या शादी करके बीवी को मैके में ही छोड़ देता, यहाँ नहीं लेकर आता? अरे मैं कब कह रही हूँ शादी करके बीवी को यहाँ नहीं लाता, लेकिन माँ को तो नहीं भूलता। 4 दिन के लिए मरी घूमने गया है, तुम ऐसा रो रही हो जैसे काले पानी चला गया वो। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपने मुझे जाने ही दिया, आपको पता है मैं उसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अरे जमीला अब उसकी शादी हो गई है,
अब वो बीवी को टाइम देगा या हर वक्त तुम्हारे पास गुस्सा बैठा रहेगा? अरे बीवी के पीछे माँ को भूल गया है। आपको पता है जब से गया सिर्फ 3 दफा मुझसे बात की है, और मैं फोन करती हूँ तो फोन जल्दी से काट देता है। अरे जमीला, दिन में तुम 200 मरतबा उसे कॉल करती हो। अरे घूमने फिरने गया, एंजॉय करने गया, वो तुम्हारी कॉल अटेंड करेगा, घूमेगा फिरेगा? अरे सब उस चंडाना साजिदा का कसूर है, उसी ने मना किया मेरे बेटे को, वरना मेरा जौदा वैसा नहीं है। तुम्हारी यही बात है ना, उसे हमसे अलहदा कर देंगी, अभी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये सब तुम्हारा कसूर है, अगर तुम उसे 2 दफा डांटते ना तो वो कभी माँ के साथ ऐसा नहीं करता। अरे पता नहीं कब आएगा मेरा जौदा, मुझे उसकी इतनी याद आ रही है। चल उठ के बैठ। ये ले यार, फिर बिस्किट। तो जो घर में होगा वो ही लेके आऊंगी ना। चल खा ही देते हैं ये। आज चिट्ठी का फोन आया था, बता रही थी कि ट्रेन में बैठ गया, वो लोग तो कल तक पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, खैर खैरियत से आ जाए। तूने तो मुझसे ना सिर्फ झूठे वादे ही किए। जोधा को देख, हनीमून पे लेके गया है चिट्ठी को। पूरा हफ्ता मरी में रहे दोनों, बर्फों में चिट्ठी को मजा आया होगा। और तू तो मुझे सिनेमा लेके भी नहीं गया, ना ही तूने मुझे समंदर दिखाया। अच्छा ना बल्कीज, तुझे करना कर है, एक काम करता हूँ, आज रात को तेरे को ले जाता हूँ। है कहाँ? छत पे, हनी मैं ऊपर मून होगा। अकेले ही बनाई हनीमून, झूठा कहीं का, हर वक्त मजाक करता रहेगा। मजाक कर रहा था, बैठ जा। तो नाराज हो जाती है मिंड मिंड में। और पिनो डार्लिंग, और डार्लिंग उठ जा के, वो इतनी देर तक नहीं सोचता होगा। और पिनो डार्लिंग, और उठ जा, सिर पे पट्टी बांध के लेटी हुई है, अगर सिर में पीड़ है तो दवाई क्यों नहीं खाती उठ के? खा लूंगी मैं दवाई। ओहो, दवाई चल तूने खानी है या नहीं खानी? उठ के मुझे रोटी बना के दे, मेरे जोर की भूख लगी हुई है। मैनू की जरूरत है रोटी पका के देने? कीमत वाला तेरा भाई, तू रोटी, मेनू जोर की भूख लगी है। भूख लगी है तो मैं क्या करूं? क्या मतलब मैं की करा भाई? तू नहीं रोटी बनाएगी, तेरी नूहे नहीं बनाएगी, तो मैं किधर से खाऊंगा? भूखा मर जाऊं? मैं क्यों बनाऊं? मेरी नूहे क्यों बनाए? जाए ना तेरी भरा की बुढ़ी पकाए ना तेरे लिए तेरी परछाई। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे पता चला कि तुझे असल में पीड़ क्या। हाँ मैनू बहुत पीड़ है, मेरे तू चोरी छुपे अपने भरा नु मिल रहा, मेरे नक के नीचे सारा कुछ मुलाकातें हो रही ने। अच्छा जी वाह जी वाह, हूं मैं साह भी तुझसे पूछ के लिया करूंगा। नहीं नहीं, मेरे साथ ना लेने की कोई जरूरत नहीं, जाके अपने भरा कोल पूछ, ओनू कह, ओही दसेगा तेनू, और जाके बल्कि ओदे कोल ही रह। रब दा वास्ता ही, मेरी धी दे ब्याह ते भी ओनू बुला लिया तू। आहा पीनो, अकल को हठ मारो, तेरी धी नी कल्ली, तेरी धी नी मेरी भी धी है। मेरी भी धी है, ऐस घरों निकल जा हुण तू। किसमें दिया गल्ला करन दई आं? की मतवाले तेरा की कहन दई आं? मैं बिल्कुल सही कहन दई आं, तू इत्थों निकल जा ते चंगी गल है। ओए घर सिर्फ तेरा नहीं मेरा भी आ। तेरा भी घर, धक्के दे के बाहर कढ़ देंगे, चल दफा हो जाए तू, और अपना समान भी लै जा सारा। वापस नहीं आऊंगा। बड़ा रो पांड्या चोर, भरा दे नाल मिल रहा, मैनू दस ही नहीं, चल जा यहां से। जाने लगा मैं, मुझे रोकी ना। तू दफा हो जा, कभी अपनी शक्ल ना दिखाई, चल अपना समान भी ले जाए तू, इधर ना आवी वापस। आए मेनू समान दा कहन दईयां, कोई लोड़ नहीं मेनू समान दी, समान भी कोल रख ते मैं जा रहा। जा रहा किन्ना कमजोर हुंदा से, जदू दा भरा मिले किन्नी बहादुरी आ गई फैमिली नाल लड़न दे तू। जा जा जा, आ उठ जा, मर जा किधरे जाके, मेरी जान छड, मनूस दा बच्चा ना होवे। जदू ते भैन भरा आए ने, असि गरीब सा, सानू कोई पुछदा भी नहीं सी, घर साडे आटा भी नहीं सी, हुण 2 पैसे खान जोग होए ने, गिद्ध दी तरह दे रिश्तेदार ते भैन भरा आके बह गए ने, हुण परजाई नू चंगा लगन डिया देवर अपना। बेगैरत ना होण ते मनूस दे बच्चे, मेरा घर, मेरा प्यो दा घर।
बड़ी भूख लग रही है आपके पास। जा मुझे लगता है गरम गरम रोटी लेके आ। बस ये आखिरी वक्फा देख के ना फिर मैं जाती हूँ, थोड़ी देर सबर कर ले। अब भी देखे मैं यूं गई और यूं आई और गरम गरम रोटी लेके आई, देखे तो सही ओ मेरा भाई बूटा आया है, आजा 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 भेजा। अरे हाँ ओ जी आया नू जी आया नू। पहले वो जहाँ ठहरी भी थी उन दिनों। ओए अब तो मेरा भाई भी आ गया है, अब रोटी का मजा आएगा। सलाम बाजी। सलाम। कैसे हो बाजी तुसी? मैं ठीक हाँ, तू सुना पर जाएगी? मैं ठीक हाँ ते वो बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, जा गरम गरम रोटी लेके आ। मैं हुने गई तो हुने लेके आनी हां। नहीं मैं खानी रोटी मैं पाज खानी है बस बैठो मैं आनी हुने। नहीं मैं ओ क्या होनी खानी हां ओ मक्खन भी लेके आई, पा बूटे नु बड़ा पसंद है मक्खन भी। खैरियत है ना सब? नहीं पता है मैं बड़ा उदास हां गुल्लू। क्या हुआ मेरे भाई को, कुछ बता तो सही। अरे पीनो डार्लिंग जड़ी ना मेरे ना लड़ पई है, मैं धक्के दे के घरों कढ़ता। जब लड़ पई है तो फिर डार्लिंग क्यों कहते हो उसको? ना जो मर्जी हो जाए भेजी ते मेरी डार्लिंग आला ते धक्के दे के घरों कढ़ता ते मैं फिर जगह को नहीं सी, मैं क्या चलो मैं गुल्लू वाल चलना। यार बूटे तू भी बड़ा रन मुरीद है, बड़ा ही रन मुरीद है। मैं तेन किन्नी बारी समझाया सी, किन्नी बारी समझाया सी कि थोड़ा मर्द बन जना बन, पर तू है मेरी गल सुन ही नहीं। नहीं वो गल ठीक है मगर प्यार भी तो होंगे ना बुढ़िया के नाल, वो तो नहीं ना घट हो जाता। मेरी भी बुढ़ी हैगी लेकिन मैं बड़ा रोब पा के रखे अपनी जनानी ते। हाँ उसकी वजह पता कि तेरी जड़ी बुढ़ी है ना वो बहुत बुढ़ी है, एली वजह तो तेरा रोब चल जाता। कर बूटे ना कर, थोड़ा हंसया कर यार। ये हो गई है, अब पल्लू लो पीछे से। नहीं शहनाज ये तो इस तरह से नहीं होगा, पूरी साड़ी बर्बाद हो जाएगी इस तरह से। तो देखो हल्का सा ऐसे पकड़ो यहाँ से शहनाज, यहाँ से हाँ ठीक है, आगे से दिखाओ मुझे। हाँ यहाँ से लो हल्का सा, राइट गुड। अब एक काम करो मुझे वॉक करके दिखाओ, कैसे वॉक करोगी? ठहरो आ गए सैर सपाटा करके और यहाँ आके माँ से ड्रामेबाजी, एक दिन भी माँ की याद नहीं आई। ऐसी बात नहीं है, हमने आपको बहुत मिस किया था, आप छुट्टी से पूछ सकती हैं। हाँ अरे इससे क्या पूछूं, यही तो है सारे फसाद की जड़। बच्चे आवे तेन पता, तेरे निके निके बाल ने तेरा पागल जे हस्बैंड भी है तेन पता, किसी वेले भी किधरे निकल जाता है। हाँ चलो कोई गल नहीं, खैर दियां गल्लां करवानी पैणियां। ऐ तेरी शक्ल है जसूसी करन वाली, मुनू की जरूरत पई है कि मैं तेरी जसूसी करदी फिरां। मामी पीनो पहले मैनू ऐ दसो, तुसी मेरे कमरे ते आयो तो दरवाजा टुक 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 क्यों नहीं बजाया, गलत बात है कि नहीं? काला डोरिया कुंडे नाल अड़ी आई ओ एक छोटा दे।